नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 11 वर्षीय बच्ची के साथ बहसी दरिंदे ने तमंचे की नोक पर किया दुष्कर्म, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में एक हवस के दरिंदे ने 11 साल की बच्ची को हवस का शिकार बना डाला। इस हैवानियत को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठेगा कि इस दरिंदे को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्षीय बच्ची पड़ोस के ही चाचा के घर टीवी देखने के लिए गई थी। कमरे में बच्ची के अलावा कोई नहीं था। इस बीच आरोपी किसी बहाने बच्ची को दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर आरोपी ने बच्ची के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को धमकी दी कि अगर किसी को भी बताया तो उसे और उसके माता पिता को जान से मार देंगे। धमकी से डरी बालिका ने घर वालों से बात को छुपा लिया। दूसरे दिन जब बच्ची की हालत बिगड़ती तो परिजनों ने पूछताछ की, तब बच्ची ने पूरी घटना बताई। इसके बाद पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पीड़ित को मेडिकल कराने के साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दुष्कर्म का मामला आया है, क्या है मामला? थाना किसनी क्षेत्र के गांव से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची लगभग 12-13 साल की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इस सूचना पर त्वरित उस बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया गया तथा पीड़ित के परिजन के तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीमें भी रवाना हो गई, जल्द ही आरोपी को पकड़ा जाएगा। आप थाने बेटी को लेकर आए हैं, क्या मामला था? उसका रेप हुआ, बलात्कार। किसने किया, कौन था आरोपी? गोविंद निरंजन का लड़का। क्या मामला हुआ था? वो खेल रही थी लड़की, टीवी देखने गई, वहीं किया और मुंह चिल्लाई तो मुंह दबाया, कट्टा दिखाया और धमकी दी कि अगर घर बताया तो मार देंगे। आप पुलिस में आए हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर रही है, पता नहीं क्या अंदर कर रही है, रिपोर्ट लिख ले गई। बेटा जरा जोर से बोलिए। गोविंद ने खींच लाओ तो और ना कट्टा रख दो तुम ऊपर और कह रहे कि मम्मी पापा को मार दिया है, बेटा रो मत, रो मत। कब की बात है बेटा, कब की बात है बेटे? बेटा परसों की बात है ये। अच्छा, फिर आपने अपने पापा मम्मी कब बताया? कल बताया आपने, उस दिन क्यों नहीं बताया बेटा? डरा दिया था आपको? अच्छा, तो अभी आपका इलाज कराया क्या पापा ने? डॉक्टर के पास गए आप? गए थे। बेटा उम्र तुम्हारी कितनी है बेटे? 11 साल। क्या नाम है बेटे? खुशी। पापा का नाम? हरिंदर। कहाँ के रहने वाले बेटे? ठीक है बेटा। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ? टीवी देखने जा रहे थे, फिर गोविंद ने खींच लिया हुआ था और कहीं गलत काम करवा तो कह रहे थे कट्टा तो उड़ा दिए और घर बता दे मम्मी पापा को मार दिए और अम्मा को मार दिए, बाबा को मार दिए, सब मार दिए। टीवी देखने जा रहे थे, उनके मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, अर्चना दीदी टीवी देख रहे थे, अम्मा सामने कर रही थी। आप थाने आई हैं, आपका मुकदमा दर्ज हुआ अभी? अभी कभी नहीं।